लेट ना करबे, लेट करबे। स्टार्ट 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 बोले। लगातार सोशल मीडिया पे खबर वायरल होती है जो सबके दिलों को झकझोर कर रख देती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किन्नर समाज की एक महिला है जो शादी कर लेती है। फिलहाल वो महिला कौन है, चेहरा ढका हुआ है, अभी इनसे रूबरू करवाएंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे। सर्वप्रथम पहले इनसे कहेंगे कि थोड़ा अपना चेहरा खोले और जो तमाम दर्शक देख रहे हैं पहले उनको दिखाने का थोड़ा प्रयास करें। थोड़ा अपना चेहरा पहले खोलिए। चेहरा तो ही खोल दे। नहीं, आप चेहरा खोलिए, हम नहीं खोल सकते। तू ना खोलवा, बेशक हम नहीं खोल सकते। तो नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग इस चैनल में देख रहे हैं, रंजना यादव की तरफ से पैर छू के नमस्ते। और क्या जानना चाहते हैं? फिलहाल अभी आप देख रहे हैं एक रंजना यादव किन्नर जी हैं। इसके पहले भी तमाम वीडियो हैं इनके, तमाम ऐसे चैनलों पर ये वायरल पे वायरल चल रही थी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे एक चर्चा का एक विषय बनी हुई थी। वहीं अगर देखा जाए तो ये लगातार सोशल मीडिया पे कह रही थी कि भाई हमारी कहीं पे शादी लगवा दो। आज भगवान की एक कृपा हुई कि इनकी शादी हो गई है, और शादी किससे हुई है वो सारी चीजें इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनके पति कौन है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब पाने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, काफी लंबा समय बीत चुका है जी, जी, जी। एक बार आप फिर से हमारे न्यूज चैनल पे आप आ चुकी हैं और तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं जी। आप शादी की बात को लेकर कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बनी हुई थी जी, जी। अभी आपको जो लोग देख रहे हैं, आपने शादी भी कर ली है, शादी से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, तमाम जो सवाल आपके मन में है वो थोड़ा बताने का प्रयास करें। शादी से काहे नहीं खुश रहूंगी, शादी हो गई, रात को काफी मजा आता है। नहीं, ये सवाल नहीं हुआ, वो बात की बातें हैं, वो आपके पति और आपकी बातें हैं, ये दर्शक नहीं जानना चाहते। दर्शक ये जानना चाहते हैं नहीं हुई है, नहीं नहीं हमारी हुई है नहीं हुई है, वो बात की बातें हैं, बंद कैमरे में बताने का प्रयास करेंगे। पहले जो बात हो रही है उस मुद्दे पर बात करिए। इसके पहले भी आप शादी को लेकर तमाम सवाल खड़ा करी थी जी, कि भाई हमारी शादी लगवा दो, शादी लगवा दो। काफी लंबा समय गुजर चुका है, आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है, वो थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जी। बिल्कुल जान सकते हैं, हमारी शादी आदमी से हुई है, जानवर से थोड़ी ना हुई जी। कैसे आपकी शादी होती है, यूट्यूब के माध्यम से होती है या कोई ऐसे रिश्ता लेकर जाता है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हम तमाम मीडिया भाई के चैनल पे बोले थे कि जो भी हमसे शादी करना चाहता है रंजना यादव 555 चैनल पे कमेंट करें। तो तमाम भैया, मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग शादी के लिए आते थे ना कि 10 साल बाद वो मर जाते हैं, हमको हमारी जवानी में विधवा बना देते। ऐसे ऐसे लोगों का रिश्ता आया था, तो उसी में से एक आए जो है कि मेरे घर पे आया डायरेक्टली। हमने उनको कमेंट में जवाब नहीं दे पाया, वो अपने माँ बाप के साथ मेरे घर पे आए, मेरे माँ बाप से बात की, मैं उस समय घर पे नहीं थी। तो भैया, ये रिश्ता मेरे माँ बाप ने ही पक्का कर दिया, मैं उनको देखी नहीं, जानी नहीं, पहचानी नहीं। मेरे माँ बाप ने एक हफ्ते के अंदर में रिश्ता पक्का कर दिया। अब मैं गई थी गोरखपुर शूटिंग में, तो शूटिंग से हमको बोले हैं जल्दी आ जाओ बेटा, घर पे कुछ काम है। तो मैं सोची कि क्या काम है, ऐसा क्या इमरजेंसी है जो मम्मी पापा बुला रहे हैं। तो घर पे आए तो सुने शादी, हम कहे फोटो वोटो दिखाइए जरा सा हमको भी। तो दिखाया तो मुझे भी पसंद आया, हम कहे चले ठीक है कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो घर पे बारात आई थी, जो कि बारात की तरफ से 100-150 लोग आए थे, 100 लोग आए होंगे बारात की तरफ से, और हमारे यूट्यूब फैमिली से 400-500 लोग आए थे। मतलब पूरे विधि विधान से आपकी शादी हुई है। आपके यहाँ बाराती आते हैं, तमाम लोग आते हैं, दूल्हा बनकर आपके पति जी आते हैं, उसके बाद आप दुल्हन बनकर उनके घर जाती हैं जी। आपका परिवार सही चल रहा है? आप इतना तेज चिल्ला रहे हैं, धीरे धीरे बोला भैया। नहीं, आपका परिवार सही चल रहा है जी? मेरा परिवार सही चल रहा है, और मेरे परिवार में भी सब लोग अच्छे हैं, और ससुराल में भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ? आपके पति इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तो टाइल्स मार्बल का काम करते हैं, वो काम पे गए हैं, शाम को आते हैं जी। टाइल्स मार्बल का काम करते हैं जी जी जी। फिलहाल ये रंजना यादव जी हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं काफी तेजी से वायरल चल रही थी, वायरल पे वायरल चल रही थी। लगातार ये शादी को लेकर काफी खुलासे की थी, इनके जो प्रेमी थे उनको भी लेकर ये काफी खुलासे थी। आज इनकी शादी हो गई है, इनके पति जी इनको बहुत बेहद खुश रखते हैं, ये चलिए बहुत बड़ी बात हुई। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपकी आपकी शादी जिससे हुई है टाइल्स और मार्बल वाले हैं जी, मिस्त्री हैं, तो आपको अच्छा मतलब अच्छा व्यवहार आपके साथ करते हैं? मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं इतना बयान नहीं कर सकती। मैं तो भगवान से ही दुआ करूंगी कि हर औरतों को ऐसा ही पति मिले। कहीं ना कहीं जो भी आपका सोच है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके पहले भी अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप एक महिला किन्नर हैं जी, जी जी, तो आपके पति ने आपसे शादी कर ली, आपको अपना तो लिया है, क्या लंबा समय तक आपका रिश्ता चल पाएगा?
ये हम आशा नहीं लगाते हैं, पूरा एकदम विश्वास करके बोलते हैं कि वो हमारा लाइफ टाइम तक साथ निभाएंगे जब तक उनके जान में जान रहेगी। जी, ये एक विश्वास है। विश्वास नहीं यार, क्योंकि देखिए अगर कोई छल कपट करता है तभी उसके साथ छल कपट होता है, वरना नहीं होता। जी जी, कहीं ना कहीं अगर आपके पति को बच्चे की अगर मांग हो कि हमें बच्चा चाहिए, तो क्या आप बच्चा दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बच्चा कहीं नहीं दे पाएंगे, काम सब कर रहे हैं तो बच्चा नहीं दे पाएंगे। बच्चा दे देंगे तो बच्चा कहाँ से होगा? कहते हैं कि अगर महिला किन्नर होती है तो बच्चा नहीं होता है, तो बच्चा कहाँ से होगा? अरे यार, मैंने दिल्ली से ट्रांसप्लांट करवाया, सारी पब्लिक जानती है जी। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला है और बच्चे हम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन से ही पैदा होगा। जी, ऑपरेशन से ही होगा। चलिए, फिलहाल ये तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी खुलासे की इनकी जो शादी हुई है, कहीं ना कहीं इनके पति भी इनसे काफ़ी खुश हैं। और अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक महिला किन्नर है समाज में, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिला किन्नरों को कहीं ना कहीं गलत निगाहों से लोग देखते भी हैं। किस पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर क्या महिलाएं किन्नर नहीं होती हैं, क्या एक इंसान नहीं होती है? तमाम ऐसे सवाल हैं। आप लोगों को समाज में काफ़ी तकलीफें झेलना पड़ता है, उसके लिए क्या कहिएगा? हमें नहीं झेलना पड़ता तो मैं क्या कहूँ? नहीं, आपके समाज के तमाम लोग ऐसे हैं कि जो भी अगर किन्नर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा और भला भी करते नहीं हैं। अच्छे काम करो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम तो ये जानते, पब्लिक सारी बहुत अच्छी है और मुझे नहीं बोलती है तो मैं कैसे जानूं कि दूसरे को बोलती हूँ? अगर कोई कभी मुझे बोला होता तब ना हम जानते। चलिए, फिलहाल ये रंजना यादव जी हैं, इनसे बातचीत की है, बातचीत कर काफी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।